हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज सैटरडे है, इट्स मॉर्निंग टाइम 7:30 AM और आज देखिए कितना प्यारा वेदर हो रखा है। इट्स एन ओवरकास्ट वेदर एंड मुझे ट्यूसॉन की सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम गर्मियाँ पड़ती हैं, इसलिए जब ठंड होती है तो मुझे यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस मैं अभी अपनी मॉर्निंग वॉक से आई हूँ और अब मैं अपना जो है बैठ के थोड़ा गर्म पानी पीऊँगी, थोड़ा सा फ़ोन वगैरह देखूँगी और अपना मी टाइम इन्जॉय करूँगी। मैं इस टाइम को बहुत मिस करती हूँ वीकडेज़ में, बिकॉज़ ठंड है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है मॉर्निंग में उठते उठते और फिर ये मी टाइम जो है वो मिस हो जाता है। तो वीकेंड्स पे ज़रूर मैं ट्राई करती हूँ कि ये जो टाइम है वो मुझे मिले, 10 से 15 मिनट में आराम से बैठ के जो है अपने बारे में सोचूं, अपने ऊपर ध्यान दूं। इस टाइम पे या तो मैं कोई वीडियो वगैरह देखती हूँ या कभी कभी अपनी मम्मी को फ़ोन कर लेती हूँ। और घर में सब सो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम है घर, तो इस टाइम पे मुझे अपना मी टाइम इन्जॉय करना बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अपना मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालें जहाँ पे सिर्फ आप बैठ के अपना कुछ सोच रहे हैं। इससे आप दिन भर क्रैंकी नहीं होंगे। तो बस जो है मेरा मी टाइम ओवर हो गया है और जैसे कि आप देख रहे हो 7:45 हो गए हैं। तो बस अब मैं उठी हूँ, अब जो है किचन में आई हूँ और सारे कल रात के जो डिशेस हैं वो लगाऊंगी। और इसी टाइम पे मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे तो आज उन्होंने बोला कि फार्मर्स मार्केट चलते हैं फ्रेश प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वगैरह लेने। एक्चुअली US में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फार्मर्स मार्केट लगते हैं हर सैटरडे को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, जहाँ पे वो बहुत ही सस्ते में आपको फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स सेल करते हैं। एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल, कभी तो ये स्कूल्स में लगते हैं, कभी ये चर्चेस में लगते हैं। तो बस आज हम यहाँ आए हैं, चर्च में लगा हुआ था एंड दे गिव यू दीज कार्डबोर्ड बॉक्सेस, यहाँ पे आप पूरा कार्डबोर्ड भर के वेजिटेबल्स ले सकते हो। तो आज यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटी के स्क्वॉश थे बट हम लोग स्क्वॉश नहीं खाते हैं, तो मैंने बहुत ही लिमिटेड वेजिटेबल्स लिए हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो देखिए मैंने ये जैक फ्रूट लिया है, ऑरेंजेस लिए हैं, कुछ क्यूकम्बर ले लिए हैं और कुछ चेरी टमेटोज मुझे अच्छे लग रहे थे तो वो ले लिए हैं। बस इतनी ही वेजिटेबल्स ली हैं मैंने, ये मैं आराम से अपने पूरे वीक में यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे फॉर $10 यू गेट 60 LBs, ऑलमोस्ट 30 kgs आपको जो है वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। सो इट्स अ ग्रेट डील। एंड यहाँ पे मेरी जो टीम है वो मेरे को हेल्प कर रही थी वेजीज लगाने में। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ पोहा। काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि पोहा कैसा होता है, तो देखिए ये इस तरीके का होता है, इसे फ्लैटेंड राइस भी बोलते हैं शायद। और इसको मैं ऑलरेडी वॉश करके रख गई थी जिससे कि इसका एक्सेस जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए और उसके बाद जो है पोहा बहुत खिला खिला बनता है। तो बस अब मैं पोहे में मसाले मिला रही हूँ, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर डाला है, बहुत ही थोड़ा सा मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाला है क्योंकि हम इसमें ग्रीन चिलीज डालेंगे, और थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आप पैन के नीचे पोहे में मसाले मिक्स कर लेते हैं तो पोहा बहुत खिला खिला बनेगा आपका। और यहाँ पे एक स्टव पे मेरी चाय बन रही है और एक स्टव पे मैं बना रही हूँ पोहा। तो बस थोड़े से तेल में मैंने मस्टर्ड सीड्स क्रैकल कराई हैं और थोड़ी सी करी लीव्स, उसके बाद मैंने इसमें अनियन डाल दिया है, ग्रीन चिलीज डाल दी हैं और मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट थोड़ा सा ध्यान से डालें इस टाइम पे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने पोहे में सॉल्ट डाल चुके हैं। और मैं स्टार्टिंग में पीनट्स को थोड़ा सा रोस्ट करना भूल गई थी तो अभी डाल दिया है, और थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी है, तो बस ये भी साथ में ही रोस्ट हो जाएंगी। किशमिश इसको बहुत एक स्वीट फ्लेवर देगा और आपको फिर चीनी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे बेटे को किशमिश पोहे के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस जब थोड़ी सी सब्जी आपकी पक जाए उसके बाद पोहा डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स कर दें और इसे कवर करके आप 3 से 4 मिनट के लिए ही मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे छोड़ेंगे कवर करके, तो ये स्टीम में बहुत अच्छा पोहा बनेगा। और मैं आपको दिखाना चाहती थी कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है जब मैं वीडियो शूटिंग करती हूँ, तो देखिए ये सब हो जाता है और बहुत मेस क्रिएट हो जाता है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू इंक्लूड दिस क्लिप एज वेल। और यहाँ पे मेरा पोहा बिल्कुल बन के रेडी है, इसे मैं भेल चटनी के साथ सर्व करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही हम लोग जो है हल्दीराम की भुजिया के साथ इसे खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्रंची पोहा। और बस ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब मैं सफाई अभियान स्टार्ट करूंगी अपना। और बर्नर जैसे कि आपने देखा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है ड्यू टू
द स्पिलेज ऑफ द टी, तो बस मैं ये इजी क्लीन ऑफ इस पर स्प्रे कर दूंगी और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जो भी बर्नट गंक होता है वो आराम से निकल आता है सारा, और जो आपका बर्नर है वो बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाएगा। बहुत इजी मेथड है ऐसे ग्लास टॉप बर्नर को क्लीन करने का ये, और इतने में मैं बाकी की क्लीनिंग अपनी कर लूँगी। तो वीकेंड्स पे अंशुल का काम होता है कि वो वैक्यूम वगैरह लगाएंगे और बेडरूम को ठीक करेंगे, और किचन का मेरा चार्ज रहता है। तो बस किचन को आज मुझे क्लीन करना है और अब मैं सिंक क्लीन कर रही हूँ। सिंक को एटलीस्ट आप इन अ डे, वंस इन अ डे तो आप ज़रूर क्लीन करें, क्योंकि सिंक भी बर्तन की तरह ही होता है। अगर आप इसे क्लीन नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्दी डर्टी हो जाता है। सो एटलीस्ट वंस इन अ डे आप इसे ज़रूर सिंपल सोप से ही स्क्रब कर दें, तब भी ये बिल्कुल क्लीन रहता है। और बस अब मैं अपना बर्नर क्लीन करूँगी, बहुत ही लाइट हैंडेडली स्क्रब करूँगी, और देखिए सारा जो ब्लैक गंक है वो आसानी से निकल रहा है। मैंने रिसेंटली ही ये क्लीनर वॉलमार्ट से बाय किया था। पहले मेरी गैस पे कुछ भी गिर जाता था तो मैं बहुत ज़्यादा उसे स्क्रब करती थी, जिसकी वजह से मेरा जो ग्लास टॉप बर्नर है आप देख सकते हो काफ़ी स्क्रैचेस आ गए हैं इस पर। बट जब से मैंने लिक्विड लिया है बहुत ज़्यादा आसान हो गई है क्लीनिंग। तो अगर आपका भी ग्लास टॉप बर्नर है तो आप ज़रूर इस क्लीनर को ट्राई करिएगा, आपको आसानी से वॉलमार्ट टारगेट कहीं पर भी मिल जाएगा। और बस अब मैं अपना जो रेगुलर क्लीनिंग है वो कर रही हूँ, और घर जो है अंशुल ने ऑलरेडी वैक्यूम कर दिया है। आज मेरा काम है पोछा लगाना, क्योंकि मेरे घर में वुडन फ्लोर है और इस मौसम में वुडन फ्लोर काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो बस मैंने सोचा थोड़ा पोछा वगैरह लगा दें, अच्छे से क्लीन कर दें घर को। आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू कि मुझे वैलेंटाइंस पे क्या गिफ्ट मिला। मुझे और अनिरुद्ध दोनों को ही वाइट चॉकलेट्स खाने का बहुत शौक है, तो अंशुल ने हमें ये गॉडिवा से वाइट चॉकलेट्स ला कर दी थी। दिस वन इज केक ट्रफल, ये हमने ट्राई किया था एंड इट वॉज सो यमी। और दूसरे में है ये कुछ कॉफ़ी क्यूब्स हैं, ये अभी तक हमने ट्राई नहीं किए हैं बट आई एम श्योर ये भी बहुत ही ज़्यादा यमी होंगी, क्योंकि अगर आपने गॉडिवा की चॉकलेट्स खाई हैं तो आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा वर्ल्ड क्लास चॉकलेट्स होती हैं ये। और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट कोकोनट मैक्रून है, ये हमने ऑलरेडी दो पीसेस खा लिए हैं, बस लास्ट ही बचा है। तो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करिएगा कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को क्या गिफ्ट्स मिले वैलेंटाइंस पे। मुझे तो ये सिंपल से छोटे छोटे गिफ्ट्स मिले थे। और बस हम लोगों का शावर वगैरह हो गया है और अभी मैं अनिरुद्ध को रेडी कर रही हूँ, एंड ही इज़ गेटिंग सुपर नॉटी दीज डेज। उसने अभी अपना फेवरेट पंजाबी सॉन्ग, शायद आप लोगों ने सुना होगा, लंबर गिन्नी चिल्लाए जाने हो, वो वाला सॉन्ग लगवाया है और वो उसी पे ही उछल रहा है। तो बस अभी इसे मैं रेडी करूँगी, आज काफ़ी लेट हो गया है, इट्स ऑलरेडी 12:30। उसके बाद मैं लंच वगैरह की प्रिपरेशन करूँगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, एक सरप्राइज़ है आपके लिए एंड में छोटा सा, तो आप उसे ज़रूर देखिए। स्टार्ट। Yeah, you go away. Not okay. You die go wind. You die go wind. I stop it.